आपने किया क्या जिसके वजह से कह सकते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया? आपने बहुत बड़ी अस्पताल बना दी, एम्स बनाया, कहाँ है वो? मैंने इनसे कहा था कि इन लोगों को आप छोड़ रहे हैं, ये ही हमारे बर्बादी का आलम होगा। मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का एक बाशिंदा। देखिए पहले वो देखेंगे ना कि कौन स्वीप करना है। मुझे ये बताइए, इन्हें जम्मू के लिए क्या किया? न जम्मू के लोगों को नौकरियां, न जम्मू के लोगों को कोई ठेके, सारे बाहर से लाए हैं, मजदूर भी बाहर से लाए हैं। इन्हें जम्मू के लिए किया क्या जिसके वजह से ये कह सकता है कि हमने कुछ अच्छा किया? कोई सेक्रेटरी में जाइए और देखिए कितने जम्मू के वहाँ पे आपके अफसर हैं, देखिए ज़रा, डीसी बाहर के, एसएसबी बाहर से। क्या जम्मू के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस काबिल नहीं है? 70 साल इस रियासत को चलाया, ये जम्मू के लोगों को सोचना पड़ेगा। उनकी ज़मीनें जा रही हैं, कौन सा कारखाना बाहर से आया जो यहाँ के लोगों को काम दे सकता है? तो पूछिए लोगों से, महंगाई का आलम देखिए वो क्या है। और ये अगर कहते हैं कि जम्मू को स्वीप करेंगे, किस तरह करेंगे? क्या इन्हें जम्मू के दिलों को जीता है? आईआईटी बनाया है, कितने हैं वहाँ पे हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं? कितने हैं वहाँ प्रोफेसर्स जो जम्मू के हैं? उसका जवाब दें। बनाना तो बहुत ठीक है, आपने और बड़ी अस्पताल बना दी, एम्स बनाया, कहाँ है वो? कौन सा चीज़ वहाँ चल रही है? आज भी हमारे लोगों को लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली जाना पड़ता है। तो क्या फ़ायदा क्या हुआ जम्मू को? ये जो चिल्ला रहे हैं, और फिर आतंकवाद क्या ख़त्म हो गया? आतंकवाद तो जम्मू में बढ़ गया है। क्या चाहिए इनको? उन्होंने बोला है कि तीन फैमिलीज जो है इसने कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो है सत्यानाश किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर सत्यानाश किया होता मुझे ये बताइए, ये आतंकवादियों को कंधार कौन ले गया? रुबैया सैयद के लिए जो 5 को छोड़ना पड़ा वो किसने किया? किसने दबाव डाला? मैंने उनसे कहा था मत करिए, आज वही लोग पाकिस्तान से ये सारा चला रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि इन लोगों को आप छोड़ रहे हैं, ये ही हमारे बर्बादी का आलम होगा। सुना इनने? और फिर हम पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे और हम पे। शुक्र कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते, उसमें मेजॉरिटी स्टेट थी, जाते उधर को। उसके बजाय हमने गांधी का रास्ता इख्तियार किया, नेहरू का इख्तियार किया, और उसी हिंदुस्तान को हम देखते हैं जिसमें सब लोग बराबरी से रह सके, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है बराबर रहे। नफरत का जो इन्हें दरवाज़ा खोल रखा है, उस नफरत के दरवाजे को बंद करना है। और राहुल जो कहता है ना कि नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें नफरत की गाड़ी को डुबोना है और मोहब्बत की गाड़ी को सारे भारत में भेजना है। हम भारत का ताज है और भारत के ताज से ही वो सूरज निकलेगा। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का एक बाशिंदा हूँ। बहुत अच्छा है, 8 तारीख का इंतजार कीजिए, 8 तारीख को सब दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। तो अगर एनसी सरकार बनाती है तो स्टेटहुड के लिए सबसे पहले क्या दिया जाएगा? मैंने 2 चीज़ें करूंगा। पहले मैं दरबार वापस लाऊंगा, उस दरबार मुंह से हम दोनों को नुकसान हुआ है। दरबार मुंह महाराजा पागल नहीं थे, दरबार मुंह जब करते क्यों करते थे? सर्दियों में यहाँ काम होता था, लोगों के पास जाते थे, सारे जाते थे, एक रिश्ता था जम्मू का और कश्मीर का, उस रिश्ते को इसने तोड़ दिया।
गर्मियों में वहाँ आते थे और मेहनत से हमारे यहाँ काम करते थे, क्योंकि हमारा सीजन बहुत छोटा है। उस दरबार मुँह को वापस लाना है। आप जाइए पूछिए जम्मू के लोगों को कितना नुकसान जम्मू को हुआ है जब से दरबार मुँह बंद हो गया।